भारतीय यूजर्स के डेटा लीक का नया मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो कोविड-19 से जुड़ा करोड़ों भारतीयों का डेटा डार्क वेब पर लिस्ट किया गया है। ये भारत में हुआ सबसे बड़ा डेटा लीक हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो डार्क वेब पर मौजूद डेटा कोविड-19 के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ली गई जानकारी से जुड़ा है। 81.5 करोड़ भारतीय यूजर्स के डेटा का एड पोस्ट किया गया है। ये डेटा लीक कैसे हुआ है, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो CBI इस मामले की जांच कर रही है। डार्क वेब पर एक हैकर ने इस जानकारी का एड डाला था, जिसके बाद मामला सामने आया है। हैकर के शेयर किए गए डेटा के मुताबिक चोरी की गई जानकारियों में यूजर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस की जानकारी और पासपोर्ट्स तक की डिटेल्स शामिल हैं। हैकर ने दावा किया है कि ये डेटा कोविड-19 के दौरान ICMR द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी का हिस्सा है। इस डेटा लीक की शुरुआती जानकारी अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी रिसिक्योरिटी ने स्पॉट की थी। 9 अक्टूबर को PWN0001 नाम के हैकर ने ब्रीच फोरम पर इस डेटा लीक की जानकारी दी थी। रिसर्चर्स ने पाया कि लीक डेटा में 1,00,000 फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें भारतीय यूजर्स की डिटेल्स हैं। इन डेटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सरकारी पोर्टल पर वेरीफाई आधार फीचर का इस्तेमाल किया गया। इसमें जानकारी को सही पाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस लीक के बारे में सर्ट इन ने भी ICMR को अलर्ट किया था। कोविड-19 टेस्ट का डेटा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट्स पर बिखरा हुआ है। इस वजह से इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि डेटा कहां से लीक हुआ है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।